चर्च दिखाओ 2013। ये 2013 का खामरा चर्च है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये 24 जून की मीटिंग है 2013 की। सुनो, इस समय ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी उस समय से अब तक। हमने हासिल कर लिया था अपना, खुदा ने जो दिया वो पॉइंट। और इस बड़ी चर्च के दौरान मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी अपनी। चर्च देख लो, ये हजारों लाखों लोग हैं। खामरा चर्च बनी दुनिया के लिए एक मिसाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशारम दास चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। और चलते चलते वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो खामरा चर्च है दुनिया की सबसे बड़ी चर्च जो कि दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है, सब लोग उस चर्च की ओर देख हैरान होते हैं कि कैसे परमेश्वर उस चर्च में काम करता है, कैसे क्लीसिया हीलिंग पाती है, डिलीवरेंस पाती है। हालेलुया। और आपने देखा कि परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी को परमेश्वर कैसे दिन प्रतिदिन जो कि यूज़ कर रहे हैं अपने कामों के लिए, और बड़ी रीति के साथ आप देख सकते हैं खामरा चर्च को बढ़ते हुए। हालेलुया। और जैसे कि आपने सुना, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया है 2013 की आपने पिक देखी, तब से लेकर आज तक जो कि खामरा चर्च बढ़ती ही जा रही है। ये तो आपने 13 में देखा, वो खामरा चर्च की कलीसिया थी। आप देख सकते थे कैसे ओवरफ्लो सेक्शन तब भी फुल था, तब भी कलीसिया जो कि पूरी भरी हुई थी। और आज आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ खामरा चर्च तो है ही है, और साथ ही खामरा चर्च की ऑल ब्रांचें, अगर हम कोई भी ब्रांच देख रहे हैं यार, जो कि 150 से भी प्लस ब्रांचें हो चुकी हैं। हम किसी भी ब्रांच को देख ले तो वो भी पूरी जो कि फुल हुई हुई है। क्लीसिया वहाँ पर भी अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुन रहे हैं। और आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, एक वफादारी के साथ है। ये परमेश्वर के दास जब परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे भी जन हैं जो कि हमेशा ही परमेश्वर के नाम को यूज़ करके जो कि पैसों के पीछे भागते हैं, चर्च के पैसों को खाते हैं, ब्याज में देते हैं। पर परमेश्वर के दास ने बताया ना कि जब 2013 में उनकी इतनी ज़्यादा कलीसिया थी, जब 2013 में खामरा चर्च दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी थी, और तब भी उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। ये नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, सब कुछ थे, सिर्फ वो वफादार थे परमेश्वर के साथ। सिर्फ वेट में थे कि जब परमेश्वर की मर्ज़ी होगी तो परमेश्वर उन्हें आएगा, परमेश्वर की मर्जी से वो लेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लगातार ही उनकी एक ही रूटीन रही है कि वो थर्सडे और संडे को ही घर से बाहर निकलते हैं केवल चर्च के लिए कि वो चर्च में जाएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, या कई बार अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। और उनके मन में लालच नहीं था, क्योंकि बाइबल में भी लिखा कि हमें लालच नहीं करना, हमें बुराई की ओर नहीं जाना। जब हम बाइबल के वचनों को मानते हैं ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ाता है। और ये आज खामरा चर्च अगर एक मिसाल बन चुकी है ना अपन दुनिया के लिए, ये भी एक वचन के अकॉर्डिंग है। जब परमेश्वर के दास वचन के साथ वफादार हैं, पवित्रताई में रहकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वचन को लेकर चल रहे हैं, लोगों में इतना ज़्यादा वचन प्रचार कर रहे हैं, लोगों में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, एक वचन के साथ चलने की वफादारी है कि परमेश्वर ने आज खामरा चर्च को इतना ज़्यादा भरा दिया है। हालेलुया। और आज भी वो परमेश्वर के साथ वफादार हैं। आज भी अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी है या कोई चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, तो वो पहले प्रभु से पूछते हैं। अगर प्रभु की मर्ज़ी है तो फिर ही वो कोई काम करते हैं। क्योंकि आज हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो अपने लालच में फंसे हुए हैं। ये थोड़ी सी उनकी कलीसिया हो जाती है, थोड़े से जन हो जाते हैं, तो वो ढूंढने लगते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास बड़ा घर हो, हमारी ऐसी टोर हो। पर परमेश्वर के दास हमेशा ही वफादारी के साथ चले, और आज आप देख सकते हैं उनकी वफादारी को परमेश्वर ने कैसे ऊँचा किया है। आज लोग उन्हें जानते हैं। अगर हम इंडिया को देखें, पंजाब को देखें, यही नहीं, हम फॉरेन देश में भी देख सकते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के दास की रिस्पेक्ट करते हैं। खामरा
चर्च की लोग इज्जत करते हैं, लोग चाहते हैं कि वो खंबड़ा चर्च में आए, देखें और देखें कि कैसे परमेश्वर उन्हें छूता है, काम करता है खंबड़ा चर्च में। हालेलुया। और आप भी हमेशा ही प्रभु के दास के जैसे प्रभु के साथ वफादारी में रहेंगे, लालच से दूर रहेंगे, तो आप भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको भराता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में अरे रहें, खरे रहें, परमेश्वर के वचनों को प्रचार करते रहें, लालच से दूर रहें, वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन पर अगर आप चलेंगे तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आ पाएंगे, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर आज पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।